ये है वन प्लस और नथिंग फोन के फाउंडर कार्ल पाई, जिन्होंने स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के नाक में भी दम करके रख दिया था। लेकिन जरा कार्ल पाई के कंपनी नथिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनका यह वीडियो देखिए। I think if you want one of the best high-end smartphones on the market today, that is the iPhone 14 Pro. I'm a fan. Basically, Carl Pai iPhone 14 Pro को market में available one of the best smartphone बता रहे हैं। पर एक rival company का मालिक iPhone को best क्यों बता रहा है? तो बस यहीं से शुरू हो जाती है Carl Pai के marketing genius बनने की कहानी। From one plus to nothing. एक्चुअली वन प्लस के शानदार सफलता के बाद कार्ल पाई ने अक्टूबर 2020 में इस कंपनी को छोड़ नथिंग नाम के कंपनी की शुरुआत की। अब वैसे तो वन प्लस अपने शुरुआती सालों में फ्लैगशिप किलर के तौर पर जाना जाता था और लोग इसे आईफोन के कॉम्पिटिटर के रूप में देखते थे, लेकिन समय के साथ वन प्लस अपना रास्ता भूल गया और बजट स्मार्टफोन लाने की वजह से लोगों के बीच यह ब्रांड अपना ट्रस्ट खोता चला गया। हालांकि वन प्लस को छोड़ने के बाद जब कार्ल पाई ने नथिंग की शुरुआत की, तब उन्होंने सभी गलतियों से सीखते हुए यह डिसाइड किया कि नथिंग सिर्फ प्रीमियम फोन्स में ही डील करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आईफोन का राइवल होने के बावजूद कार्ल पाई ने वीडियो के अंदर नथिंग फोन की जगह आईफोन को बेस्ट क्यों बताया? कार्ल पाई आईफोन 14 प्रो रिव्यू। एक्चुअली कार्ल पाई का मानना है कि एप्पल जैसे मार्केट लीडर से कॉम्पिटिट करने से ज्यादा अच्छा है खुद को एप्पल के सामने खड़ा कर दो। कार्ल इस वीडियो के थ्रू यह बताना चाहते हैं कि एप्पल का आईफोन 14 प्रो तो बेस्ट है ही, लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर नथिंग फोन इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। इस रिव्यू के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को लेकर बायस्ड भी नहीं दिखे, जैसा कि ज्यादातर कंपनीज के फाउंडर या फिर सीईओज करते हैं। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये था कि कितना स्मार्टली उन्होंने अपने फोन को एप्पल के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन बता दिया, वो भी बिना यह एहसास कराए कि वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। Changes in 14 Pro, mainly just a bit better camera. On the other hand, if you're looking for something more interesting, something where you're a little bit different from everybody else, you try something new, and if you want to support a small team that's trying to do something really ambitious, consider the Nothing Phone 1. It's also at less than half the price of the iPhone. कार्ल पाई की यही सबसे बड़ी खासियत है कि लोगों के मन में वो ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर यूं कह लें कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि लोगों के पास उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट न होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। फिल द मार्केट गैप। अब कार्ल पाई हमेशा से ही मानते थे कि एप्पल स्मार्टफोन के मामले में एक बेस्ट ब्रांड तो है ही, लेकिन जहां वो चूक जाता है वो है इसका डिजाइन। और दोस्तों वही जो कंपनीज डिजाइन के मामले में टॉप पर हैं, वो फीचर्स या फिर क्वालिटी के मामले में मात खा जाती हैं। इसी को ही एनालाइज करके उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जो थी मार्केट बैरियर को एक्सपोज करना। नथिंग लोगों के सामने उन प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करने लगा कि कैसे एप्पल सिर्फ अपने इंटीरियर को इम्प्रूव करके अपने प्रोडक्ट को हद से ज्यादा महंगे दाम पर बेच रहा है, और वहीं बाकी के ब्रांड्स सिर्फ डिजाइन और लुक जैसे आउटर लेयर को अट्रैक्टिव बनाकर मार्केट में छाए हुए हैं। लेकिन एक भी फोन ऐसा नहीं है जो कि एप्पल जैसा कमाल का इंटीरियर और सैमसंग जैसी नेक्स्ट लेवल डिजाइन ऑप्शन प्रोवाइड करे। कार्ल पाई का मानना है कि इसी मार्केट बैरियर को ही ब्रेक करने के लिए आया है नथिंग। अब वैसे तो वन प्लस भी इसी विजन के साथ मार्केट में आया था, लेकिन एड और ब्लोटवेयर जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से यह फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि नथिंग फोन वन की खासियत यही है कि इसमें एक भी ब्लोटवेयर नहीं है, जो कि इस टाइम मार्केट में अवेलेबल और फोन से इसे बेटर बनाता है। वहीं अगर हम डिजाइन की बात करें तो नथिंग फोन वन का डिजाइन उन सभी ब्रांड्स के लिए एक तमाचा था जो कि डिजाइन और लुक के मामले में खुद को बेस्ट मानते थे, क्योंकि नथिंग फोन वन का ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और LED लाइट्स एक ऐसा इनोवेशन है जो पहले कभी नहीं देखा गया। वेल, वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किन किन जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करके कार्ल पाई नथिंग फोन को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरा अपना फेवरेट मार्केटिंग की ABCD नाम के इस ऑडियो बुक को कुकू FM पर जरूर सुनिएगा। इस बुक के अंदर आपको नीड ऑफ मार्केटिंग, कोर कॉन्सेप्ट और ब्रांडिंग की तरह कुल 16 चैप्टर्स मिल जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, कुकू FM जो इंडियाज लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, इस पर 15 लाख से भी ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ 4200 घंटे से भी ज्यादा के कंटेंट हर महीने ऐड किए जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाइए और मेरा कूपन कोड LH50 यूज करिए। ऐसा करने से आपको फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर यानी कि 99 की जगह सिर्फ 49 रुपए में मिल जाएगा। फिलहाल हम जानते हैं कार्ल पाई के उन जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसका यूज वो नथिंग फोन को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। नंबर 1, क्रिएटिंग हाइप।
एक्चुअली कार्ल पाई के कमाल की स्ट्रेटेजी में से एक ये भी है कि फोन लॉन्च होने से पहले ही वो उसके मैन्युफैक्चरिंग टीम को एक साथ लेकर आते हैं, जो आपको बताते हैं कि आखिर यह फोन मार्केट में अवेलेबल और फोन्स के मुकाबले स्पेशल कैसे है और इसमें कौन कौन से यूनिक फीचर्स ऐड किए हुए हैं। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाती है कि ओवरऑल नथिंग फोन किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है और ऐसे स्टेप्स लोगों के बीच कुछ ऐसा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि फोन मार्केट में आने से पहले ही लोगों के दिलों में बस जाता है। नंबर 2, प्री ऑर्डर पास। लंबे इंतजार के बाद जब नथिंग अपना फोन लॉन्च करता है तो उसे सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास प्री ऑर्डर पास हो, और ये पास कंपनी सिर्फ अपने प्राइवेट कम्युनिटी मेंबर्स को ही देती है। ऐसे में बाकी लोग जिनके पास पास अवेलेबल नहीं है, उनके मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आने लगती है, और इस फीलिंग के साथ आता है तनाव, डिसरिस्पेक्शन, डिप्रेशन और स्ट्रेस कि कुछ लोग मुझसे ज्यादा बेटर चीजें अचीव कर रहे हैं पर मेरे पास तो वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। हालांकि कंपनी ने नथिंग फोन 1 के लिए कुछ समय के बाद ही प्री ऑर्डर पास वाला सिस्टम हटा दिया था, पर यह भी उनकी स्ट्रेटजी ही थी कि पहले लोगों के मन में खोने का डर पैदा करो और फिर उसे प्रोडक्ट पकड़ाओ ताकि उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए। नंबर 3, कम्युनिटी बेस। अब चाहे वन प्लस के टाइम हो या फिर अभी नथिंग के लिए, इस स्ट्रेटजी में कार्ल पाई खूब माहिर है लॉयल कम्युनिटी फैन बनाना। अपने कम्युनिटी में वो फोन से रिलेटेड न्यूज और आर्टिकल शेयर करते हैं जिसमें फोन के स्पेक्स, स्पेशल फीचर और लॉन्चिंग डेट्स वगैरह होती है। पर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्ल पाई लोगों से डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करने के लिए बोलते हैं जिसे कि वे अपने स्मार्टफोन में फेस कर रहे हैं। और दोस्तों, जब किसी कंपनी का फाउंडर ही सीधा लोगों के टच में रहता है तो फिर लोग भी उस ब्रांड पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। नंबर 4, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दोस्तों, नथिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी बहुत स्मार्टली इस्तेमाल कर रहा है, और अगर आप इंडिया में गौर करेंगे तो युवराज सिंह, करण जौहर, रणवीर अलाहाबादिया और जसलीन रॉयल जैसे सेलिब्रिटीज इसके इन्वेस्टर बन चुके हैं। अब इनका कंपनी से जुड़े होना ही इंडियन कंज्यूमर्स के बीच हाइप क्रिएट करने के लिए काफी है। इसके अलावा टेक गुरुज और बड़े इन्फ्लुएंसर से अपने फोन को स्मार्टली प्रमोट करवाना भी कार्ल पाई के शानदार स्ट्रेटेजीज में से एक है। लेकिन यहां नोट करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ हाइप की वजह से कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बल्कि फोन के क्वालिटी और लुक्स भी बहुत मैटर करता है, और नथिंग फोन में ये सब कुछ देखने को मिलता है। नंबर 5, मोस्ट अवेटेड नथिंग फोन 2। फिलहाल कंपनी नथिंग फोन 2 को लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है, जिसका लुक तो अभी रिवील नहीं हुआ है, पर उनका कहना है कि ये दुनिया का पहला फोन है जिसे कि रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया जा रहा है। इस फोन को बनाने में 100% रिसाइकल्ड एल्युमिनियम, कॉपर, टीन और 90% रिसाइकल्ड स्टील एंड 80% प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको न्यूज में ऑफिशियली फोन रिलेटेड सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ना तो स्पेक्स बताए गए हैं, ना लुक रिवील हुआ है, ना लॉन्च डेट या फिर प्राइस। बस फोन में क्या सबसे यूनिक होने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं किया, ये बताकर एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कंक्लूजन, वन प्लस इज सिंकिंग एंड नथिंग इज राइजिंग। दोस्तों, वन प्लस ने रिसेंटली नॉर्ड CE3 फोन को लॉन्च किया है जिसके कैमरा क्वालिटी को लेकर उन्हें खूब गालियां पड़ी हैं। अब नॉर्ड CE2 के फैन बेस तो अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन नॉर्ड CE3 को जिसने भी खरीदा है उनमें कैमरा या कुछ और भी बातों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट देखी जा सकती है। इन सभी बातों से यह क्लियर है कि वन प्लस अपनी ब्रांड रेपुटेशन लूज करने पर तुली है और इनोवेशन से दूर होती जा रही है, जबकि ऑन द अदर हैंड नथिंग अपने फोन में कुछ ऐसा लाने की ट्राई कर रहा है जो किसी ने कभी ना किया हो। तो दोस्तों, इससे साफ है कि अगर वन प्लस ऐसे ही इनोवेशन से दूर होकर शांत बैठा रहा तो नथिंग इसकी नैया डुबोते देर नहीं लगाएगा। यानी कि आज वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई खुद ही अपनी एक्स कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नथिंग जो है वो एप्पल, वन प्लस और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के सामने टिक पाएगा? अपना ओपिनियन हमें जरूर कमेंट करिएगा। और हाँ, कुकू FM के ऑफर को भी ग्रैब करना ना भूलिएगा। ऐप को अभी डाउनलोड करिए और LH50 कूपन कोड का यूज करके पहले महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपए में पाइए।